भावना है इस पर नजर रहे तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या आपकी क्या फीलिंग है इस पर आई नो इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि आपके दिल में क्या हो रहा है जितना लंबा एक सफर करके आया हूं मैं वो सफर हिंदी में किया है अंग्रेजी में नहीं तो अंग्रेजी में सफर कुछ और हो जाता है सफर करता हुआ आया हूँ यहाँ और यहाँ पहुंच के बस इतना कह सकता हूँ कि सच अ फुलफिलमेंट to be in the audience of your daughter. मौका मिलता है बाबा कुड़ी तो वहां पहुंच के बड़ी तसल्ली होती है लेकिन ये नहीं कि और तसल्ली होती है कि इनके साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं जिनका जो पूरा जुड़ है इनके साथ जो प्रोड्यूसर हैं और टेक्नीशियंस हैं और ये सारे जुड़े हैं ये यहां से मैं चला था मैं लगता है अब दिस इज द जनरेशन हु हैज ब्रॉट सिनेमा टू दिस प्लेस हु हैज ब्रॉट सिनेमा टू दिस डिग्निटी टू दिस स्टेटस और यहां पे आके बैठी चाहता है कि इनका हाथ पकड़ लो और इस बार डोंट लीड देम दिस टाइम कीप ऑन फॉलोइंग देम दैट्स व्हाट आई थिंक How grateful we are to have your presence, your energy, and that soul that you bring along to every suburb. And I know how emotional this is for you, Bhosari, and I know what it must mean for you to get your father's love and validation on your piece of work. Give it up to the father and daughter. Collaborated so much with Gulzar Sahab, some great pieces of work, and this has been your collaboration with Meghna on this film. Both your experiences, we'd love to hear what you have to say. This is truly, I mean, just being with him on any project is any music director's dream. Just when he walks into the studio, you know, he just lights up the studio with his energy and so much positivity. And moreover, after that we have Meghna to add to it. It's been such a pleasure and we started off with Ayavardhan. Ayavardhan was composed in his house. Just we were sitting and having chai and he just wrote it then and there and the song was done in about 10 minutes. It was composed over there. And you remember that, Meghna? And now we see all this is happening. So it's more than a dream come true. Thank you, Shankar. Well, yeah. It's special. Every part of it's been really wonderful. You know, Meghna and Gulzar sir, and of course my partners. It's a beautiful feeling, and I wish you could do many more of them in the future. Thank you. And all of us want to congratulate you for this. फिल्म बनाते हैं तो बहुत सारे ब्रेव लोगों की जरूरत पड़ती है पहली बार ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान में अगर दिखाया है या उस साइड के लोग भी दिखाए हैं तो इविल नहीं दिखाया है ह्यूमन एसेंस मेंटेन किया है आपका क्या थॉट्स है इसके लिए क्योंकि वो भी ह्यूमन है उनके मतलब तीन बांह और चार आंखें तो नहीं है हमारे जैसे ही है और हमको खुद को अच्छा दिखाने के लिए किसी और को बुरा दिखाने की जरूरत नहीं है वो मतलब हम हुई है कि जो बात हमें कहनी है वो सच्चाई से कहें और सरलता से कहें उसके लिए नारेबाजी की जरूरत नहीं और कहानी भी ऐसी थी कि ना उसकी जरूरत थी ना हमें जरूरत महसूस हुई इस तरह की चीजें डाल के कहानी को और मसालेदार या बिकाऊ बनाने की बस
थैंक यू सो मच. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल दैट आई लव्ड एवरीथिंग. मैं अभी भी लव करती रहती हूँ जब भी गाना सुनती हूँ. बहुत ही अच्छा गाना है. थैंक यू वेरी मच. माय क्रेडिट टू शंकर एहसान रॉय एंड गुलजार साहब. थैंक यू वेरी मच. Do we have any other questions for the illustrious ladies and gentlemen on stage? गुलजार जी, आपने बोध किया ना, मैं लिखा था मेरी प्यारी बोध की को बूंद जैसी ओझ की को. तो ये आपने बोध की को दिया था अपनी बोध की को. तो उनसे आज तक आपको क्या चीज मिली है जो सबसे खूबसूरत है? क्या चीज जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है? क्या चीज आज क्या मिली? अब बताइए, अगर ओस की बूंद महसूस हो जाए आपको तो आप उससे ज्यादा पाक बूंद और कहां ढूंढेंगे? हमने इनकी मिट्टी में मिल गई थी सुबह. थैंक यू अगेन एंड थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन.